ओम शांति। आज की वाणी चल रही है 8 अगस्त सन 65 की। रिकॉर्ड चला है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ये महिमा करते हैं बेहद के बाप की। क्या हद के बाप की महिमा नहीं होती है? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। क्यों? क्योंकि हद के बाप तो 500 करोड़ के माँ बाप नहीं हो सकते। जो 500-700 करोड़ सभी मनुष्य आत्माओं का माता पिता है वही बेहद का माता पिता है। बेहद का बाप बेहद के 500 करोड़ बच्चों को बेहद की सुख और शांति का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते भी हैं कि बाबा आओ, आकर के हमको शांति और सुख दो। भक्ति मार्ग में सिर्फ पुकारते हैं, आता नहीं है। और ज्ञान मार्ग में तो भक्ति मार्ग की आस पूरी करने के लिए आता है। भारतवासी 21 जन्म सुख धाम में रहते हैं। क्या कहा? भारतवासी कितने हुए हैं? जो 21 जन्म सुखधाम में रहते हैं उन भारतवासियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 4.5 लाख हैं? 10 करोड़, 9 लाख, 9,16,108 आत्मा ऐसी हैं जो पूरा 21 जन्म के लिए सुख भोगती है। बाकी जो भी आत्माएं हैं वो शांति धाम में रहती हैं। क्या कहा? सतयुग के दूसरे जन्म से भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं उनका भी एक जन्म कम हो जाएगा। तो वो पक्के भारतवासी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि द्वापर युग से जाकर के दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए बोला भारतवासी किस जन्म सुखधाम में रहते हैं और बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो बाप के 2 वर्षे हैं, सुखधाम और शांति धाम। इस समय न शांति है न सुख है क्योंकि पतित भ्रष्टाचारी दुनिया है। तो जरूर कोई दुखधाम से सुखधाम में ले जाने वाला चाहिए। बाप को खेवैया भी कहते हैं। काहे का खेवैया? नवैया का खेवैया या जहाज का खेवैया? आत्मा का खेवैया। आत्मा को दुखधाम से छुड़ाए शांति धाम में ले जाते हैं, लेकिन आत्मा तो बिठैया है, नवैया या जहाज नहीं है। आत्मा इस शरीर रूपी नवैया में बैठने वाली है। परमात्मा बाप जब आते हैं
तो शरीर रूपी नैया को भी पार ले जाते हैं जो इस विषय वैतरणी नदी में पड़ी हुई है, और साथ में आत्मा भी जाती है। तो भारतवासियों की जो आत्मा है और जो शरीर है, दोनों का पार लगैया एक ही खेवैया है। बच्चे जानते हैं वो है विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला, क्या अभी नैया और आत्मा दोनों विषय सागर में पड़ी हुई है। मन बुद्धि रूपी आत्मा विषय सागर में गोते खा रही है, और नवैया में हाल डोल आ रहा है। अभी बाप आया हुआ है विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने के लिए। बच्चे जानते हैं बाप हमको पहले शांति धाम घर ले जावेंगे, क्योंकि अभी नाटक पूरा होता है। ये भेद का खेल है, इसमें ऊंच ते ऊंच क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, मुख्य एक्टर कौन कौन है वो तुम जानते हो। ऊंच ते ऊंच है भगवान, उनको सब का बाप कहा जाता है। स्वर का रचयिता है, फिर भी जब मनुष्य दुखी होते हैं तो लिबरेट भी करते हैं। ये रूहानी पंडा भी है, क्योंकि सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाते हैं। वहां शांति धाम में निराकार आत्माएं रहती हैं। कैसी स्टेज में रहती हैं? निराकारी स्टेज में रहती हैं। ये ऑर्गन्स यहां मिलते हैं, जिसे आत्मा बोलती है। आत्मा खुद कहती है मैं पहले पहले सुख धाम में थी तो शरीर भी सतो प्रधान था। मैं आत्मा 84 जन्म भोगती हूं। सत्युग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, फिर द्वापर कलयुग में 63 जन्म हम पतित बने। ये आत्मा को नॉलेज मिलती है 84 जन्म पूरे हुए, फिर हमको पहले नंबर में जाना, और बाप ही आकर के पावन बनाते हैं। आए कर पावन बनाते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान सुना कर चले जावे और बाद में कोई हम अपने आप पावन बनते रहे, नहीं। ज्ञान सुनाने के साथ साथ पतितों को पावन बनाने के लिए भी आना पड़े। भारत नया था तो इनको स्वर्ग कहा जाता था, बाप आकर के आत्माओं से बात करते हैं। जो देवभान की स्टेज में होते हैं उनसे तो बात भी नहीं करते,
आत्मा शरीर से अलग है तो कुछ भी आवाज नहीं कर सकती। जैसे रात को शरीर अलग हो जाते हैं, आत्मा कहती है मैं शरीर से काम करते करते थक गई, अब विश्राम करती हूँ। तो आत्मा अलग चीज है, शरीर अलग चीज है। अब ये शरीर पुराना है, ये है पुरानी पतित दुनिया। भारत नया था तो इसको स्वर्ग कहा जाता था, अभी तो नरक है, सभी दुखी हैं, एक दो को मूत पिलाते रहते हैं। इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं और समझते हैं कि स्त्री नागे नरक का द्वार है। बाप आकर कहते हैं इन बच्चियों द्वारा तुमको स्वर्ग का द्वार मिल जाएगा। जिन बच्चियों को तुम छोड़ छाड़ करके भागे हो, इन्हीं के द्वारा तुमको स्वर्ग का द्वार मिलेगा। बाप शिक्षा देते हैं, पावन बनकर स्वर्ग का मालिक बनो। पतित बनने से तुम नरक के मालिक बन पड़े हो। यहाँ पांच विकारों का दान दिया जाता है। आत्मा कहती है बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो हम प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र बना आपके मददगार जरूर बनेंगे। बाप का बच्चा जो ओबीडियंट रहता है वही सपूत बच्चा कहा जाता है। जो सपूत होते हैं उनको वर्षा मिलता है और जो कपूत होते हैं उनको वर्षा मिल ना सके। ये बाप बैठ समझाते हैं। निराकार भगवान की ये निराकारी आत्माएं बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। तो ये जैसे ईश्वरीय घर है, ईश्वरीय फैमिली है और कोई संबंध नहीं है। बल घर में मित्र संबंधी आदि को देखते हैं, परंतु बुद्धि में ये बात रहती है हम बाप दादा के बने। वो बाप है और ये दादा है, इनमें परमपिता परमात्मा का प्रवेश हुआ है। किनमें? ब्रह्मा दादा। बाप और दादा, वो बाप है, यह दादा है। वह कह के बाप को दूर क्यों किया? वाणी सन 65 की है। और यह दादा किसको कहा? ब्रह्मा को कहा दादा। और वह बाप किसको कहा? यज्ञ के आदि में जो था वो ही आदि वाला फिर अंत में पार्ट बजाता है। तो कहा वो बाप है, ये दादा है। तो ये दो हुए, इनमें परमपिता परमात्मा का प्रवेश हुआ है। किनमें? बाप और दादा। तुमको ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश हुआ है, नहीं तो निराकार कैसे आवेगा? गर्भ जेल में तो वो आ ना सके। यहां गर्भ जेल में सजाएं खाते हैं, सतयुग में तो गर्भ जेल होती नहीं। वहां पाप ही नहीं करते क्योंकि रावण ही नहीं है, इसलिए वहां गर्भ महल कहा जाता है। जैसे पीपल के पत्ते पर कृष्ण दिखाती है, किस रूप में दिखाते हैं? चित्रों ने चित्रकारी की है,
संगम युग की यादगार बनाई है। पीपल का पत्ता है कोई शरीर रूपी नवैया की यादगार। जो रावण राज्य में बहुत ही लकोरे खाती है, लेकिन उसके लिए गायन है, नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो पीपल के पत्ते की हल्की फुल्की नवैया दिखाइए। पीपल के वृक्ष का भक्ति मार्ग में नाम क्या देते हैं? हैं? ब्रह्मदेव। क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव। कहते हैं ब्रह्मदेव पर भूत प्रेतों का वास होता है। वास्तव में है ब्रह्मा की सोल की बात, पत्ते में विराजमान है। ऐसी हल्की फुल्की शरीर रूपी नैया में विराजमान है, जो इस दुख की दुनिया में विषय सागर में गोते खाती है। बाप तो आए ही हैं नैया को पार लगाने के लिए, विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने के लिए, लेकिन उस नवैया पर कौन सवार है? कृष्ण जैसी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा निवास करती है। तो पीपल के पत्ते पर कृष्ण दिखाते हैं, वो भी गर्व महल है, जैसे कि सागर है। सत्युग में तो न गर्व जेल होता है न वो जेल होता है, आधा कल्प है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। कलयुग से फिर सत्युग जरूर आना है, चक्कर रिपीट होता रहता है। ये बेहद का चक्कर है, जिसका नॉलेज बाप ही जाकर के समझाते, क्योंकि ये बाप ही नॉलेज फुल है, इनकी आत्मा भी नहीं समझा सकती। इनकी माना किनकी? ब्रह्मा की आत्मा भी समझा नहीं सकती। ये तो पतित थे, पहले सतयुग में पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने। तुम्हारी आत्मा भी पावन थी, यह भी पतित थे, और तुम्हारी आत्मा भी सतयुग में पावन, पतित से पावन बनती है। ये भी पहले पावन थे, फिर अब पतित बने, फिर इनकी भी आत्मा 84 जन्म ले पतित बनी है। बाप कहते हैं, मैं सर इस समय पतित दुनिया का मुसाफिर हूं। कहां मुसाफिरी कर रहा हूं? पतित दुनिया में मुसाफिरी कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पतित ही बुलाते हैं। देवताएं जब पावन होते हैं तो कोई को बुलाते नहीं है, पतित ही बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ। भले ब्राह्मणों की दुनिया में भी आता हूं, तो भी जो ब्राह्मण पतित से पावन बनते हैं वो मेरे को बुलाते हैं। जिनको पूरे 84 जन्म लेने होते हैं वो ही मेरे को बुलाते हैं। जो पतित से पूरे पावन बनते नहीं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मेरे को पतित पावन कह करके बुलाते भी
नहीं है। मुझे अपना परम धाम छोड़ पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है, यहाँ पावन शरीर तो होते नहीं है। पहले नंबर में पावन शरीर है लक्ष्मी नारायण का। क्या 9 लाख में से पहले पहले पावन कौन बनेगा? लक्ष्मी नारायण। ये तो जानते हो, जो अच्छे कर्म करते हैं वो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का तो अव्वल नंबर कुल हो गया, तो उनके यहां जन्म लेने वाली आत्मा भी जरूर अच्छे कर्म करने वाली हो रही होगी। बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। क्या कहा? ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े से बड़े पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े पुण्य आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। जो अच्छे से अच्छे कर्म करने वाले हैं वो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हैं, श्रेष्ठ युगल के यहाँ जाकर जन्म लेते हैं। और जो ब्राह्मणों की दुनिया में बुरे कर्म कर रहे हैं वो सतयुग के 84 जन्म पूरे ले नहीं सकते। सतयुग में जो नंबर 2 की, नंबर 3 की, नंबर 4 की गद्दी बनेगी वहां जाकर के उनको जन्म लेना पड़े, क्योंकि बुरे कर्म किए हैं तो उनका ऐसे नीच कुल में जन्म होता है। सेकंड नारायण से लेकर 8वां नारायण तक ऊंचते ऊंच कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ऐसी डायनेस्टी होती है नीच कुल की जो द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले पवित्र नहीं बनते हैं। पूरे पवित्र नहीं बनते हैं तो पतित पावन सीताराम कह करके बुलाते भी नहीं है। तुम पूरे पतित बनते हो, पूरे पतित से पूरे पावन बनते हो, तो बार बार पतित पावन सीताराम कहकर बुलाते भी। 8-8 65 की वाणी का दूसरा पीर, तुम विष्णु कुल में जन्म लेंगे। विष्णु कुल केला कितना कला संपूर्ण होता है? 16 कला संपूर्ण होता है। तो 16 कला संपूर्ण विष्णु कुल में तुम जन्म लेंगे। बाकी जो बुरे कर्म करने वाले हैं वो 16 कला संपूर्ण विष्णु कुल में जन्म नहीं ले सकते, क्योंकि विष्णु कुल होता है 100% स्वर्णिम संगम युग में। तुम तो मनुष्य से देवता बनते हो। वो दुष्ट कर्म करने वाले ब्राह्मण मनुष्य से डायरेक्ट देवता नहीं बनते। पहले क्या बनते हैं? मनुष्य से प्रिंस बनते हैं। प्रिंस बनने के बाद फिर देवता। आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया ये कोई जानते नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में तो सब झूठ लिख दिया है। 5000 वर्ष के चक्कर को लाखों वर्ष दे दिए हैं।
ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते भक्ति करते करते और ही दुर्गति को पाया, यही भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। अभी जो बाप द्वारा ब्राह्मण बनेंगे वो ही देवता बनेंगे। क्या कहा है? जो डायरेक्ट आए हुए बाप के द्वारा पढ़ाई पढ़ेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, वही देवता बनेंगे। बाकी कम जन्म लेने वाले देवता नहीं बनते। और जो डायरेक्ट आए हुए बाप द्वारा ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण से देवता बनेंगे, वो ही इन आंखों से स्वर्ग का द्वार देख सकेंगे। क्या कौन देख सकेंगे? ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले होंगे, वो ही इन आंखों से स्वर्ग का द्वार देख सकेंगे, जिन्होंने दुष्ट कर्म किए होंगे ब्राह्मण बनने के बावजूद भी, वो इन आंखों से स्वर्ग का गेट नहीं देख सकेंगे। स्वर्ग का तो नाम देखो कैसा अच्छा है, देवी देवताएं फिर वाम मार्ग में जाते हैं, वाम मार्ग में जाने से पुजारी बन जाते हैं। सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? सबसे बड़ा ये मंदिर है सोमनाथ का। जो सबसे साहूकार था उसने बनाया होगा। क्या कहा है? किसका जन्म खुला है? ब्रह्मा का जन्म खुला। सोमनाथ का मंदिर जो सबसे साहूकार था उसने बनाया होगा। बताओ किसने बनाया होगा? सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया होगा? कृष्ण सबसे ज्यादा साहूकार होता है, उससे ज्यादा साहूकार कोई और नहीं होता है। हाँ विक्रमादित्य तो होता है, लेकिन विक्रमादित्य को डायरेक्शन कौन देता है सोमनाथ मंदिर बनाने का? तो जो सबसे साहूकार था उसने बनाया होगा। जो पहले सतयुग का महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनता है, क्या कहा है? सतयुग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण कौन बनते हैं? वो ही जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो शिव बाबा जिसने विश्व का मालिक बनाया है उनका मंदिर बनाते हैं। विश्व का मालिक किसने बनाया और किसको बनाया? कृष्ण को बनाया या कृष्ण के बाप को बनाया? कृष्ण के बाप को। कृष्ण के बाप को विश्व का मालिक बनाया। तो जिस शिव बाबा ने विश्व का मालिक बनाया उनका मंदिर बनाती है। खुद कितना साहूकार होंगे तब तो इतना बड़ा मंदिर बनाया। जिसको मोहम्मद गजनबी ने लूटा है, सबसे बड़ा मंदिर है शिव बाबा का, वो है विश्व का रचयिता। वो खुद मालिक नहीं बनते हैं, बाप जो भी सेवा करते हैं उनको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं, खुद जाकर के निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं।
जैसे मनुष्य 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ में जाते हैं, गुरु आदि को लेकर के बैठ जाते हैं, कोशिश करते हैं हम भगवान से जाकर के मिले, परंतु कोई भी मिलते नहीं है। सभी का लिबरेटर और गाइड एक ही बाबा है और सभी हैं जिस्मानी यात्रा कराने वाले। अनेक प्रकार की यात्राएं करते रहते हैं। ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा, बाप सब आत्माओं को अपने साथ शांति धाम ले जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को विश्वपुरी में ले जाने के लिए लायक बनाए रहे, बाप आते हैं सेवा करने के लिए। कहते हैं इस पुरानी दुनिया में कोई से भी दिल नहीं लगाओ, पुरानी पतित दुनिया में कोई से भी दिल नहीं लगाओ, क्योंकि तुमको नई दुनिया में जाना है। तुम सब आत्माएं जो 550 करोड़ हैं, सब ब्रदर्स हो, इसमें मेल भी है तो फीमेल भी है। सतयुग में तुम पवित्र रहते थे, उस दुनिया को कहा जाता है पवित्र दुनिया। यहाँ तो 5-7 बच्चे पेट चीर करके निकालते हैं, वहां तो एक ही बच्चा पैदा होता है। सतयुग में ये ला बना हुआ है, जब समय होता है तो दोनों को साक्षात्कार हो जाता है कि अब बच्चा होने वाला है। उसको कहा जाता है योगबल, पूरे टाइम पर बच्चा पैदा हो जाता है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती, कब रोने का भी आवाज नहीं होता। आजकल तो देखो कितनी तकलीफ से बच्चे पैदा होते हैं, ये है ही दुखधाम की दुनिया और सतयुग है सुखधाम की दुनिया। अभी तुम पढ़ रहे हो सुखधाम का मालिक बनने के लिए, इस जन्म की पढ़ाई का पद तुमको दूसरे जन्म में मिलता है। क्या कहा, लौकिक दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसका फल इसी जन्म में मिलता है, और जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं उसका फल भविष्य 21 जन्म में मिलता है। कोई कोई तो ऐसे हैं कि हम इस दुनिया में जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसका फल हमें अभी मिल जाना चाहिए, ऐसे समझते हैं। वास्तव में वो जिस्मानी पढ़ाई की बात है, जिस्मानी पढ़ाई अभी पढ़ते हैं, अभी अभी उसका फल भोग लेते हैं। तुम इस पढ़ाई का फल दूसरे जन्म में भोगते हो। बाप कहते हैं मैं तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। जो स्वर्ग के मालिक बनते हैं उनको भगवान भगवती कहा जाता है। लक्ष्मी भक्ति और नारायण भगवान, क्या कहा, भगवान तो एक को कहा जाता है,
एक को कहा, भगवान तो एक को ही कहा जाता है, बाकी लक्ष्मी क्या हो गई, भगवती हो गई। सतयुग आदि में इन्हों को किसने बनाया, जबकि कलयुग अंत में कुछ नहीं है। भारत देखो कितना कंगाल है, भीख मांगते रहते हैं, बाप कहते हैं मैं ही सबको सदगति देने के लिए आता हूं। सतयुग त्रेता में तुम सदा सुखी रहते हो, बाप इतना सुख देते हैं इसलिए भक्ति मार्ग में भी फिर उनको याद करते। बच्चा मर जावेगा तो भी कहेंगे एक भगवान, हे भगवान हमारा बच्चा तुमने मार डाला। बाप कहते हैं जबकि तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया है, उसने ही ले लिया, फिर तुम रोते क्यों हो, तुम क्यों मोह रखते हो। स्वर्ग में तो कोई प्रकार का मोह नहीं होता, वहां जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो बैठे बैठे खुशी से छोड़ देते हैं। शरीर भी टाइम पर छोड़ते हैं और स्त्री कभी विधवा बनती नहीं है। जब टाइम पूरा होता है, बूढ़ा होता है, तो समझते हैं अब फिर हम जाकर के बच्चा बनेंगे, फिर वो भी बूढ़े बन जाते हैं तो शरीर छोड़ देते हैं। अभी तुम जानते हो कलयुग की शरीर बहुत पुरानी खल है, आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित। अभी तुमको बाप से योग लगाए पावन बनना है, ये है भारत का प्राचीन योग। शरीर से भी पावन बनना है, आत्मा से भी पावन बनना है। सन्यासियों को तो हठ योग होता है, जीते जी स्त्री को विधवा बनाए चले जाते हैं। 8-8-65 की वाणी का तीसरा पेज, सन्यासी चले जाते हैं तो बच्चे आर्फन बन पड़ते हैं, उनमें बहुत करके पुरुष ही सन्यासी बनते हैं। आगे जंगल में रहते थे, अभी तमो प्रधान होने के कारण जंगल में नहीं रह सकते। कौन? सन्यासी। बाहर की दुनिया के सन्यासी या ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी भी? ब्राह्मणों की दुनिया के भी सन्यासी। पहले जंगल में रहते थे, शहर से उनका कोई वास्ता नहीं था, फिर जब तमो प्रधान बने तो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़े महल माड़ियां अटारियां मठाधीश पीठाधीश बनकर बैठ गए। शहर में घुस आते फिर माताएं जाकर के उनकी चेली बनती रहती है, उन माताओं की वह निंदा करते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं इन द्वारा ही स्वर्ग का द्वार खोलता हूं। माता गुरु बिगर किसी का कल्याण हो नहीं सकता। तुम माताओं के द्वारा पुरुष भी ज्ञान पाते हो, ये पुरुष किसी की सदगति नहीं कर सकते। बाप ही आए करके सदगति करते हैं, फिर तुमको सिखलाते हैं। तुम मास्टर सदगति दाता बन जाते हो, सबको कहते हो मौत सामने खड़ा है बाप को याद करो, ये सब कुछ खत्म हो जाना है। ये बाम साधे बनाने वाले खुद भी मानते हैं कि इनसे विनाश होना है, परंतु समझते हैं पता नहीं हमको कौन प्रेरता है, समझते हैं एक बाम फेंकने से ही सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, जब तक तुम कांटों से फूल बन जाओ
क्योंकि ये कांटों की दुनिया है, भारत फूलों की दुनिया थी। अभी तो ये दुनिया वैश्यालय है, पहले था शिवालय अर्थात शिव द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग। क्या थी ये दुनिया? शिवालय। और बैठे कहाँ हो? हैं? शिवालिक में। आलिक माने भी घर और आलय माना भी घर। तो पहले ये दुनिया शिवालय थी, शिव द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग था। वैश्यालय रावण ने बनाया है। तुम पढ़ रहे हो नई दुनिया के लिए। भगवान एक ही निराकार है, मनुष्य को कह नहीं सकते। दुखहर्ता सुखहर्ता वो ही बाप है। भगवान वाच बच्चों प्रति, मैं तुमको नर से नारायण पतित मनुष्य पावन देवता बनाता हूं। अभी ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, फिर तुम चले जावेंगे अपने घर। इस ड्रामा को समझना है। जो ड्रामा को ना समझे उनको जानवर से भी बदतर कहा जाता है। क्या कहा है? ड्रामा का जो राज है 5000 साल का, जो इस समय समझ रहे हैं, वो है मनन चिंतन मंथन करने वाले मनु की औलाद की कोटि में। और जो इस राज को अभी तक भी नहीं समझ रहे हैं, वो मनुष्य नहीं है। क्या है? मनुष्य के भेष में जानवर है। इस समय मनुष्य बंदर से बदतर है। क्रोध आता है तो कैसे बाम से मार डालते हैं सबको। अब इन पर कौन केस करेगा? दुनिया में तो कोई किसी को मार डालता है तो उसके ऊपर कोर्ट में केस कर देते हैं। अब ये तो बम से सारी दुनिया का सफाया कर देंगे, इन पर कौन केस करेगा? तो फिर पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है। ट्रिब्यूनल में सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तो ये समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माओं, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूं। अभी मेरी श्रीमत पर चलो, तुम श्रेष्ठ स्वर्ग के मालिक बन जावेंगे। वो मनुष्य मनुष्यों के गाइड बनते हैं और बाप गाइड बनता है सब आत्माओं का। क्या? किसका गाइड बनता है? सब आत्माओं का। कीड़े मकोड़ों का भी है? कीड़े मकोड़ों का भी गाइड बनता है? हैं? कीड़े मकोड़े आत्मा ही नहीं है क्या? आत्मा है, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हो जाते हैं। कीड़े मकोड़े जानवर पशु पक्षी आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते, तो मैं किसका गाइड बनता हूँ? जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली वास्तविक आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति वाली, मैं उनका गाइड बनता हूं। आत्मा ही कहती है, पतित पावन, अब बाप हमको पुण्यात्मा बनाए रहे। स्वर्ग में तो पाप होता ही नहीं है और यहां तो पाप बगैर कोई जन्म ही नहीं ले सकते। क्या कहा? यहां इस दुनिया में जितनों का भी जन्म होता है, कोई ये नहीं कह सकता हमने पाप के बगैर जन्म लिया।
सब का पाप से जन्म होता है। सन्यासी भल चले जाते हैं फिर भी जन्म तो माता के ही गर्भ से मिलता है। मुफ्त में गृहस्थियों का खाते हैं तो जन्म भी उनके पास लेना पड़े। सतयुग में देवी देवताएं घड़ी घड़ी संन्यास नहीं करते, वो तो प्रारब्ध है, ये यूनिवर्सिटी है। राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला ही नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं लोन लेकर के आता हूं, आत्मा तो दूसरे शरीर में आ सकती है ना। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनको माथा टेकते हैं, समझेंगे बाप की आत्मा को नमन करता हूं। उन बाप का शरीर तो चला गया, आत्मा को बुलाया जाता है। आगे तो आत्मा का आवाहन करके पूछते भी थे, तो आत्मा का आवाहन होता है। ये सब ड्रामा में पार्ट है। आत्मा कोई शरीर छोड़ करके नहीं आती है। आगे बतलाते थे हम बहुत सुखी बैठे हैं, आप फिक्र नहीं करो। तो ये ड्रामा की नूद है जो रिपीट होता रहता है। ड्रामा जो मिसल चलता है, इनको फिरने में 5000 वर्ष लगता है। कोई कहते हैं पत्ते पत्ते में ईश्वर है, पत्ता हिलता है इनमें भी आत्मा है, परंतु नहीं, ये कौन से पत्तों की बात है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो चैतन्य वृक्ष है उसके चैतन्य पत्तों की बात है। ये तो हवा से हिलते हैं। क्या जो जड़ वृक्ष के पत्ते हैं वो हवा से हिलते हैं, और ये चैतन्य आत्मा रूपी वृक्षों को परमात्मा बाप आकर के हिलाते हैं। किस समय की बात है? इस समय संगम युग में ही 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को परमात्मा बाप के चलाई के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन 500 करोड़ तो आत्मा बनते ही नहीं। आत्मा कितने बनते हैं? हैं? 4.5 लाख 9 लाख नहीं हैं? 9 लाख आत्मा नहीं बनते। 9 लाख भी तो आत्मा बनते हैं ना। तो 9 लाख पत्तों को परमात्मा बाप आकर के हिलाते हैं, क्योंकि वही आत्माएं हैं जो 84 जन्म लेने वाली बाप की मत पर चलने वाली है। तुम यहां जैसे बैठे हो फिर 5-4 वर्ष बैठेंगे, इस ड्रामा के राज को सिवाय तुम्हारी सारी दुनिया में कोई नहीं जानता, सब पतित है, क्योंकि बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। वो तो सिर्फ कह देते हैं सर्वव्यापी है, कण कण में है। बाप कहते हैं कितने मूर्ख बन पड़े, तुमको तो मेरे से वर्षा लेना है, तुम फिर कह देते हो सर्वव्यापी हो। कुत्ते बिल्ले में बताए देते हैं, तो मेरी तुम ग्लानी करते रहते हो, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। गीता में भी है यदा यदा ही धर्मस्य, इस सारी सृष्टि को लंका कहा जाता है, रावण का राज्य है, सभी शोक वाटिका में है। स्वर्ग में तो दुख की बात नहीं, बाप आया शांति धाम ले जाने के लिए, तो इस दुख धाम को भूल जाना है। श्री श्री बाप आकर के श्रेष्ठ बनाते हैं, और माया रावण भ्रष्ट बनाती है। तो ये खेल है,
अभी बाप से वर्षा लिया सो लिया, नहीं तो फिर और अगले कल्पों में कभी ले नहीं सकेंगे। ये 21 जन्मों की कमाई बड़ी ऊंची है। अच्छा, मात पिता बाप दादा का शिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की को रूहानी बाप की नमस्ते। पिछली व्यक्तवाणी रह गई थी 7-8-65 की चौथे पेज पर, इसमें बात चल रही थी ऐसे बच्चे भी जरूर निकलेंगे जो गणिकाओं के पास जावेंगे। किनके पास जावेंगे? हैं? जो ज्ञान का गीत गाने वाली गणिकाएं हैं उनके पास जावेंगे। अछूतों के पास भी जावेंगे। अभी पुराने पुराने तो थक गए हैं क्योंकि ग्रहाचारी बैठ गई है। क्या कहा? माने ऐसी सेवा करने के लिए पुराने पुराने नहीं जाएंगे दीदी दादी दादाएं, कौन जावेंगे? जो नए नए बच्चे निकल रहे हैं, बाबा को फिर नया ब्लड चाहिए। स्थूल रूप में नया ब्लड चाहिए या सूक्ष्म संकल्पों का नया ब्लड चाहिए? जिनके अंदर एडवांस का, एडवांस नॉलेज का, सूक्ष्म संकल्पों का ब्लड भरा हुआ है, ऐसे सूक्ष्म ब्लड वाले, नए ब्लड वाले बच्चे चाहिए। उनमें ताकत अच्छी रहती है, खुशी रहती है। नए को ये ज्ञान मिलेगा तो समझेगा ओ हो वेद का बाप आया हुआ है। हम तो ऐसे बाप की बहुत सेवा करेंगे। तुम देखते भी हो कैसे कैसे सेवा करते हैं। पहले पहले गणिकाओं को उठाना है। क्या कहा? पहले पहले जो गीत गाने वाली ज्ञान का गीत गाती फिरती है उन गणिकाओं को उठाना है। चित्र भी तो सब तैयार है ना, युक्तियां भी तो सब बताई जाती हैं, नए नए चित्र भी बनाए जाते हैं। बल घर में बैठे रहो परंतु बुद्धि में बाप याद बना रहे। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, कोई मना नहीं है। जो होवे सो महत्व समझे, परंतु कोई भी बात में ममत्व नहीं रखो। पहनने खाने के लिए मना नहीं है, तुम्हारे पास जो होवे सो पहनो। ये जेवर आदि तो सब छोड़ देने, हमको तो बाबा के पास जाना है। स्वर्ग में तो बहुत सुख देखेंगे, यहाँ तो कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है क्योंकि ये पंचायती राज्य है। फ्रांस अमेरिका में भी पंचायती राज्य है। बाकी एक दो ऐसे राज्य रहे हैं जहां राजाओं का राज्य चलता है। वो है आपस में सगे,
पहले सबके किंग क्वीन थे, अभी वो सब चले गए। प्रजा का प्रजा पर राज्य होने में देरी थोड़ी लगती है। मौत तो देखो जैसे चारों ओर बरसता रहता है, वहां सतयुग में तो कोई भी बात का डर नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। यहां तो देखो कितनी चिंता है, बल करोड़पति हैं, आज बच्चा बीमार हो पड़ता तो कितना दुख हो जाता, मर जाएगा तो बस रोते रहेंगे। बाप तो सुखधाम में ले चलते हैं, तो बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए, सच्चा बच्चा बनना चाहिए और बाप के पास सारा समाचार सच्चा सच्चा देना चाहिए। बहुत हैं जो झूठ बहुत बोलते हैं, सर्विस करने के बदले और ही डिससर्विस कर लेते हैं, तो ऐसों की क्या गति होगी, दास दासियां जाकर बनेंगे। या तो अगर चलते चलते टूट पड़ेंगे तो चांडाल का जन्म जाकर के लेंगे। बाप तो कहते हैं मामे कम याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, इसमें पैसा आदि खर्चने की बात नहीं है। मम्मा भी बाप को याद करती थी और दूसरों को याद दिलाती थी, पैसे की कोई बात नहीं। देखो फिर मम्मा तो महारानी बनती है, कन्याओं माताओं के लिए बहुत अच्छा है, और जो विधवाएं बन गई उनके लिए तो और भी अच्छा है। बाप रोज समझाते हैं तुम्हारा एक ही बाप है जो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यज्ञ की सर्विस भी करनी है, हड्डी हड्डी स्वाहा कर देनी, जहां देखो वहां सर्विस सर्विस की लौ लगी रहे। बाबा के पास दो अंबाला के बच्चे हैं, देखो कितनी सर्विस करते रहते हैं। शरीर को तो स्वाहा करना ही है, तब तो नया फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। क्या कहा? नया शरीर किनको मिलेगा? इसी जन्म में इसी शरीर से स्वर्ग में कौन जावेंगे? जो हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करते हैं, वो तो स्वाहा करना ही है, तब तो नया फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। ईश्वरीय सेवा में शरीर को स्वाहा नहीं किया तो नया शरीर मिल न सके। इस शरीर से तो जितना काम निकले उतना अच्छा है, और जो आप ही करे सो सतो प्रधान, कहने से करे सो सतो। क्या कहा? अपने आप जो करेगा वो सतयुग के पहले जन्म में आवेगा, और दूसरों के ठेले ठाले करेगा, दूसरों के पुश करने से करेगा तो क्या बनेगा? सतो प्रधान आत्मा नहीं बनेगा, सतो सामान्य बन जाएगा, त्रेता में जन्म लेगा। तो सब काम हमारा ही है, यज्ञ बाबा का है, ऐसे नहीं कि फलाने का काम हम क्यों करें। बाबा के यज्ञ का जो काम है सो हमारा काम है, हम सर्विस करेंगे तो हमको फायदा मिलेगा, सब हमारी ड्यूटी है। हम दूसरे को क्यों देखें?
जितना हो सके शरीर को स्वाहा करना है। सपूत बच्चे सदैव सच बोलते हैं। सच बोलना, सच खाना, ये सच्चा बाबा ही सिखाते हैं। सच्चा व्यवहार करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले सर्व सेवन सपूत बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग ओम शांति।